क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। सिक्स पार्ट दिए हैं हमें, हमें इन सबका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक्स है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो हमने उसमें रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो अभी सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास माइनस थर्टीन। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा माइनस थर्टीन का, रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस थर्टीन इज माइनस वन अपॉन थर्टीन। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन थर्टीन। क्लियर। सेकेंड पार्ट है माइनस थर्टीन अपॉन नाइनटीन। अब माइनस थर्टीन अपॉन नाइनटीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस थर्टीन अपॉन नाइनटीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस नाइनटीन अपॉन थर्टीन। दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर। थर्ड पार्ट है वन अपॉन फाइव। अब वन अपॉन फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ वन अपॉन फाइव इज फाइव अपॉन वन, जिससे हम ओनली सिंगल नंबर फाइव भी लिख सकते हैं। क्लियर। सो फोर्थ पार्ट है माइनस फाइव अपॉन एट मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री अपॉन सेवन। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस और माइनस कट जाएंगे, और सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल कर देंगे। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फिफ्टीन अपॉन फिफ्टी सिक्स इज फिफ्टी सिक्स अपॉन फिफ्टीन। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू अपॉन सेवन। अब इसका सबसे पहले मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए इसको भी सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, सो माइनस माइनस इसमें भी कट जाएगा, सो टू वन द टू अपॉन सेवन। तो टू अपॉन सेवन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू अपॉन सेवन इज सेवन अपॉन टू। क्लियर। सिक्स्थ पार्ट है माइनस वन, तो माइनस वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन इज वन अपॉन माइनस वन। क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फोर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाले। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये तीन इक्वेशंस हैं, हमें बताना है कि हमने इन पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। क्लियर। बहुत इजी है। अब फर्स्ट है माइनस फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फोर अपॉन फाइव। क्लियर। तो अब हमें बताना है इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब बताइए इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और अंडर मल्टीप्लीकेशन बोला उसने, तो ऑब्वियसली वन मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, और यहां पे भी वन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें सिंपल है, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट है माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू अपॉन सेवन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस थर्टीन अपॉन सेवनटीन। अब बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। थर्ड है माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी नाइन अपॉन माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू वन। सो माइनस नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ट्वेंटी नाइन अपॉन माइनस नाइनटीन। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसने बोला है 16/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-16/7। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 6/13 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 6/13 इज मल्टीप्लाइड टू -16/7। तो मल्टीप्लाई करिए 16 मल्टीप्लाई बाय 6 किसके इक्वल है -96/13 × 7 = 91। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7th है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6/4 / 3 as 1/3 × 6/4 / 3। अब उसने बोला है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है और ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। अब देखो यहां पे 1/3 × 6/4, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और ये क्या है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये एक ब्रैकेट में है ये एक ब्रैकेट में। अब आप खुद सोचो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। क्लियर। इसका इतना ही आंसर है कि हमने सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसको इसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8, वाई और वाई नॉट। उसने बोला है कि 8/9 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो -1/1/8 है, मिक्स फ्रैक्शन में ये टर्म है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें रीजन देना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/x। क्लियर। अगर हम एक्स को 1/x से मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x, हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। ठीक है। अब सिमिलरली हम इस इक्वेशन में उठा लेते हैं, देयरफोर हम इस इक्वेशन में भी ऐसे उठा लेते हैं 8/9 मल्टीप्लाइड बाय -1/1/8। अब अगर तो इन दोनों का आंसर भी 1 हुआ तो 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अगर इन दोनों का आंसर 1 नहीं हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं हुआ तो वो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 8 × 1 = 8 + 1 -9/8 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 8 से 8 की कटिंग हो गई, 9 से 9 की कटिंग हो गई, हमारे पास क्या बचा, -1 बचा, लेकिन हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, पॉजिटिव में 1 होता तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता। ठीक है। लेकिन ये आया नेगेटिव में, इसीलिए लिख लेते हैं बट द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। सो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ
माइनस वन वन अपॉन एट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर एट जैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर एट किया, इज 0.3 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1 अपॉन 3। 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 into 1/3 का या नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वही सेम x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 1/x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आया, 1। मतलब कि दो टर्म्स को, एक टर्म है और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं, सो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को हम 0.3 को हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9, 9 + 1 10/3। 3 से 3 की कटिंग होगी, 10 से 10 की कटिंग होगी। अब हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, हमें 1 ही चाहिए होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास इसमें क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 ऑफ 1/3। सो देयरफोर 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्वेश्चन नंबर 10th है, राइट, अभी हमें इक्वेशंस दी है, कुछ क्वेश्चंस पूछे हमें, इनका आंसर बताना है। द रैशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, वो रैशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, वो रैशनल नंबर कौन सा होता है, आप लोग भी सोचिए। तो वो रैशनल नंबर कौन सा होता है, 0। क्लियर, 0 एक ऐसा है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज समझाई थी, क्लियर। सेकंड है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, वो रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं, कौन कौन से है वो रेसिप्रोकल्स, ऑब्वियसली 1 and -1 दो ही नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं। थर्ड है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाता है, वो रैशनल नंबर कौन सा होता है, नन अदर देन ऑब्वियसली 0। 0 का नेगेटिव कर भी दे तो वो भी कुछ नहीं होता, सो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, अभी हमने क्वेश्चन 10th में किया, 0 का तो कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो क्या होगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, क्लियर। सेकंड ब्लैंक्स है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, अभी हमने ये भी क्वेश्चन 10th में किया, कौन से दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल्स वो खुद होते हैं, 1 and -1, क्लियर। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1/5, क्लियर। फोर्थ है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा x और x 0 नहीं है, ठीक है। फिफ्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, हमने ये क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा। सिक्स्थ है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, सो इसका आंसर है पॉजिटिव। तो अभी हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई, अब हम 1.2 करेंगे।